अभी दो चीजें देखेंगे, एडियाबेटिक इक्वेशन और वर्क डन एडियाबेटिक के अंदर। वर्क डन आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक के लिए देख लिया, दो डेरिवेशन बस, क्लियर है क्या? पर ये डेरिवेशन करने से पहले कुछ बेसिक नोट आना चाहिए आपको, दो तीन फॉर्मूले पता होने चाहिए, वो सारी चीजें पहले पता होनी चाहिए जो डेरिवेशन के अंदर इस्तेमाल होने वाली है, वो सारी चीजें पहले पढ़ेंगे हम लोग, क्लियर बेटा? बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और एक नोट डालेंगे, क्या डालेंगे? एक नोट, नजर ऊपर रखना बस बेटा, ये नोट ये अध्याय जीरो लिखा है, क्या लिखा है? जीरो बेटा। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉन्स्टेंट। क्या होता है? कॉन्स्टेंट। क्योंकि उल्टा कर दो, यह आता है बेटा, एक कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या हुआ? कॉन्स्टेंट। उल्टा इस तरीके से याद रखो, एक तो ये याद रखना है, आज की क्लास की डेरिवेशन सीखने एक चीज तो ये आनी चाहिए बेटा। दूसरी क्या है? लॉग। क्या बोला? लॉग के बारे में कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक फॉर्मूले पता होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहले इंटीग्रेशन का एक और फॉर्मूला देखते हैं बेटा, वन बाय वी और ये डीवी लिखा है, क्या लिखा है? डीवी। यानी वन बाय वी और क्या है बेटा? ये डीवी है, तो ये वन बाय वी है और डीवी है, तो फॉर्मूला हुआ बेटा लॉग बेसी वी, यानी लॉग वी। क्या होगा? लॉग वी। ये मैंने बताया हुआ है पहले भी। दूसरी बात ये बेटा, तीसरा ये आना चाहिए, लॉग लिखा है यहां पे, बेस में ई है, यहां लिखा है एम, ये लिखा है प्लस, ये लिखा है लॉग बेटा ई, और यहां एन है, क्या है? एन। ये आता है बीच में प्लस है माइनस है, अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई में जाएंगे, किसमें आएंगे? मल्टीप्लाई में, लॉग बेसी एम एन बड़े, एम और एन की जगह कुछ भी हो सकता है, तो ये एम ये एन साथ में आ गई, क्लियर। अगर ये माइनस होता तो ये डिवाइड में होता, किसमें होता? डिवाइड में, यानी एम बाय एन होता, एम बाय एन होता। पर इतना ही नहीं, लॉग की और भी चीज याद रखो बड़े, फोर्थ लॉग है बड़े बेस में ही है, यहां पे कुछ भी लिखा हो सकता है, एक्स की जगह पावर एन है, पावर क्या है? एन। बताओ किसी को पता फॉर्मूला बड़े एन आगे आएगा, यह आएगा लॉग बड़े ई और एक आएगा एक्स, यानी पावर उतर के नीचे आ जाएगी, पावर उतर के नीचे आ जाएगी, जो भी यहां पे होगा नीचे आ जाएगा। अभी ये है तो ये लिख सकते हो, ये है तो ये लिख सकते हो, ये है तो ये लिखोगे, ये है तो ये भी लिख सकते हो, बेसिक ये आता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल समझने के लिए बड़े, कहीं लिखा है लॉग लिखा है, यहां बेस में ई है, यहां एक्स लिखा है, क्या लिखा है? एक्स इज इक्वल टू में सी लिखा है, क्या लिखा है? सी। किसने कहा एक्स की वैल्यू निकालो? क्या निकालो? एक्स। तो ये एक्स कैसे आएगा ध्यान से देखना, पहले एक्स लिख दो इज इक्वल टू में, बताओ बेस में क्या है? ई। तो पहले ई लिख दो, जो भी इधर है वो पावर में लिखा दो, आंसर सॉल्व। नहीं आया ऊपर फिर लो और समझो, ये तो एक था बड़े। दूसरे यहां देखो, मान लो लॉग लिखा है, बेस में टेन है, बेस में क्या है? टेन। यहां एक्स में कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू में दो लिखा है, क्या लिखा है? दो। एक्स निकालना है, एक्स लिख दो, बेस में क्या है? टेन। टेन लिखो, पावर कितनी है? टू। ये आ गया आंसर एक्स, बिल्कुल बेसिक। नहीं आया, मान लो एक और ले लो तीसरा बड़े, लिखा है लॉग लिखा है, बेस में ही है, पी है, वी है, गामा है, क्या है? गामा। इजिकल टू में क्या लिखा है? सी लिखा है, क्या लिखा है? सी बड़े। जो एक्स की जगह क्या है? पी वी गामा है, बताओ पी वी गामा की वैल्यू क्या आएगी बड़े? पी वी गामा इजिकल टू निकालोगे ई है तो ई आ गया, पावर सी आ गया, क्या आ गया? सी। और इतना ही नहीं, एक और चीज आपको एक्स्ट्रा में आनी चाहिए, एक्स्ट्रा में ये एक्स्ट्रा में बेटा, गामा इजिकल टू सी पी बाय सी वी होता है, यानी मोलर स्पेसिफिकेट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिकेट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का रेशियो गामा होता है। क्या होता है? गामा। और आज की क्लास में एडियाबेटिक की इक्वेशन, एडियाबेटिक की इक्वेशन ड्राइव करने वाले हैं, पी वी गामा इजिकल टू के कैसे आती है, क्लियर? या अच्छा फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ आपको होता है डी क्यू इजिकल टू में डी यू प्लस में डी डब्ल्यू होती है, वो आपको पहले से ही आता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो डेरिवेशन करने वाले हैं उसके अंदर इस्तेमाल होंगी, तो इसलिए आपको आनी चाहिए पहले से ही, क्लियर? तो इसे लपेटो घसीटो उठाओ पटको, हलवा चीजें बड़े फील नहीं हो पड़ेगे। तो बात ये है डेरिवेशन, क्या बोला? डेरिवेशन करनी है, एडियाबेटिक इक्वेशन देखनी है। बड़े सुने ऊपर देखे सारे बच्चे बड़े, एडियाबेटिक इक्वेशन क्या होती है बड़े? पी वी गामा इज इक्वल टू में के, ये ड्राइव करनी है। अब ये ड्राइव पूरी कराएं, शुरू से जो होती है छः से सात पेज की हो जाएगी, छः से सात पेज की, यानी पूरा डिटेल में आके पीछे से कराएं, इतना लंबा तो आती नहीं है। इलेवंथ क्लास में तीन नंबर में आएगी, कितने नंबर में? तीन नंबर में। तो हम हिसाब से कराएंगे, जितना आपको तीन नंबर आपको मिल जाए, तीन नंबर में इतनी करा दूंगा कि ज़्यादा ही होगी,
क्या होगी? ज्यादा ही, 5 नंबर के बराबर आ रहा, टेंशन मत लो। बड़े डेरिवेशन होती कैसे, ध्यान पूर्वक ऊपर देखते रहना, ये ड्राइव करना है। बड़े सबसे पहले लिखेंगे, पहले स्टेप है बड़े, बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताओ बेटे क्या होती है? डी क्यू इज इक्वल टू में डी यू प्लस में डी डब्ल्यू, यही होती है। और ये देख प्रोसेस कौन सा है, एडियाबेटिक। बात एडियाबेटिक की हो रही है, और एडियाबेटिक में कॉन्स्टेंट क्या होता है? हीट। तो बेटे इसके अंदर हीट क्या होती है? बड़े कॉन्स्टेंट। तो डी क्यू कितना होगा? जीरो। अब ये जीरो जो है यहां डाल दो, देख रहे आपको बड़े जीरो। अच्छा ये नोट्स में नहीं होगी आपके, अभी करनी है बड़े। ये वैल्यू इधर डालोगे तो ये हो गया जीरो। क्या हो गया? जीरो। ये डी यू है, डी यू लिख दिया, प्लस में गए बड़े डी डब्ल्यू, इसे ओपन करो, पी डी वी आया था लास्ट क्लास में, याद करो। हाँ ना बोल भैया। इतना ही नहीं, डी यू भी निकाला था मैंने बड़े, मेयर्स फॉर्मूले पढ़ाया था। तो ये डी यू को अगर मैं ओपन करूं, यह आया था बड़े सी वी डी टी, सी वी डी टी, याद करो। मैंने लास्ट क्लास में मेयर्स फॉर्मूला पढ़ाते समय बोला था इंटरनल एनर्जी दोनों सिस्टम की सेम थी। क्या थी? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या था? सेम। तो इंटरनल एनर्जी तो डी यू थी, वो इतनी आई थी लास्ट क्लास में, वहां डेरिवेशन में कराया है बड़े। प्लस में गए, पी है, डी वी है, और यहाँ क्या है? जीरो है। इसे आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो और डाल के बड़े ये क्या लिखा है? सी वी डी टी प्लस में ये क्या है? बड़े पी डी वी इज इक्वल टू क्या है? जीरो। एक बात तो होगी, ये शुरुआत अभी डेरिवेशन की, कम से कम 2-3 बार बोर्ड भरेगा। हाँ ना बोल भैया। अब यह आता है बेटा आइडियल गैस, तो बता आपको कितनी होती है? पी वी इक्वल टू, उसकी इक्वेशन क्या होती है? पी वी इक्वल टू एन आर डी। तो यह आता है, अगर यहां से बगल में कॉपी में साइड में लिख लेना बड़े वी नो, यह आता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? बड़े पी वी इजिकल टू में एन आर टी, वट इज एन नंबर ऑफ मोल, कितने मोल ऑफ गैस लिए? 1। बड़े पी वी इजिकल टू में आर टी, पार्शियल डिफरेंशिएशन लास्ट क्लास में पढ़ाया मैंने, जब मेयर्स फॉर्मूला पढ़ाया था उस वक्त भी बताया था बड़े। यहां करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, बोलो बेटा पी लिखा है वी लिखा है, पी एज इट इज ये क्या आएगा? डी वी प्लस वी एज इट इज, फिर क्या आएगा? डी पी इजिकल टू में आर, तो गैस कॉन्स्टेंट है, एज इट इज का एज इट इज, ठीक है। क्या आएगा? डी टी। क्या आएगा? डी टी। अगर यहां से डी टी की वैल्यू निकालने, किसकी निकालने? डी टी की, बताओ कितनी आएगी बड़े? यहां क्या लिखा है? पी है, डी वी है, प्लस में यह क्या है? वी है, डी पी है, डिवाइड में क्या आएगा? आर। यह आएगा क्या? डी टी। और यह इक्वेशन मान लो 1, ये क्या मान लो? 1। यह आता है यहां पे डी टी है या नहीं है, वो वैल्यू उठा के कहां पुट कर देंगे? यह इस जगह, तो यह वैल्यू उठा के पुट कर दो बड़े, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये फर्स्ट में रख देने बस, और कुछ नहीं करना, उसका सीधे एलसीएम लेके सॉल्व करना है, अभी इंटीग्रेशन भी करना है इसमें। यह आता है जब याली वैल्यू उठा के बड़े इस जगह डालिए, देखो इस जगह ध्यानपूर्वक रखना, नजर मत हटाना, पहले ही बोल रहा हूं सी वी। यह आता हो सी वी लिखा है, डी टी की वैल्यू क्या है? बड़े पी ए डी वी ए प्लस में वी ए डी पी ए, डिवाइड में कितना है? आर, डब्बा क्लोज। बड़े प्लस है, और यहां बताओ कितना है? बड़े प्लस में पी लिखा है, और क्या लिखा है? डी वी लिखा है, तो यहां पी आएगा बड़े, डी वी आएगा, इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। बताओ एलसीएम ले सकते हैं क्या? एलसीएम में कितना आएगा नीचे? आर। कितना आएगा बड़े? आर आएगा एलसीएम में, ध्यान से देखना बड़े, नीचे आएगा आर। यह तो ये आर है, ये भी आर है, तो ये तो यही बचेगा पूरा फैक्टर, मल्टीप्लाई करके बोलो बड़े सी वी, पी आएगा, फिर क्या आएगा? डी वी प्लस में, बोला अगला कितना आएगा? सी वी वी डी पी, प्लस का प्लस, यहां वन था, ये आर है, तो आर क्या है ऊपर, बोलो कितना आएगा? आर पी डी वी इज इक्वल टू में क्या है? जीरो। ये जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? जीरो। बस इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको, वो आनी चाहिए, और ये एग्जाम में आती भी है, याद रखना बड़े। ये क्या है? सी वी लिखा है, ये क्या लिखा है? पी ए डी वी है, प्लस में बताओ ये क्या लिखा है? सी ए वी है। अच्छा आगे पीछे लिख सकते हैं क्या? मैं इसको जानबूझ के आगे लिख रहा हूं, पता लग जाएगा क्यों, फील लो। बताओ वाली टर्म क्या है? आर है, पी है, डी वी है, प्लस में बीच वाली क्या है? सी वी वी डी पी इज इक्वल टू में क्या है? जीरो। इतना लिख दिया, ध्यान से देखो बड़े, पी डी वी ये भी क्या है? पी डी वी कॉमन आ रहा है, पी डी वी दोनों से क्या है? कॉमन। बताओ जो कॉमन निकालेंगे पी डी वी, तो अंदर कितना आएगा? बड़े सी वी प्लस में आर, और वहां क्या आएगा? प्लस में सी वी वी डी पी इज इक्वल टू में जीरो। अब ध्यान से देखो, सी वी प्लस आर, मेयर्स फॉर्मूला पढ़ाया है लास्ट क्लास में, सी पी के इक्वल होता है, क्योंकि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू क्या होता है? आर होता है। फील लो यहाँ पे बेटा, बोर्ड में आ रहा है इधर, या रहे या रहे या रहे, ठीक है बेटा, फील लो। बात ये लास्ट क्लास क्या बोला, थोड़ा सा देख लो बेटा, लास्ट क्लास में जब मेयर्स फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? मेयर्स फॉर्मूला।
तो सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू क्या था, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर था। अगर यहां से सीपी की वैल्यू निकालो क्या आएगी, ये माइनस उधर जाएगा, यानी सीबी प्लस आर है क्या सीपी, जो कि पुट कर लेंगे यहां पे, फिर धीरे धीरे और सॉल्व करेंगे। पता लग रहा है, देखो करना क्या था, फर्स्ट रो लगानी है, एडिबेटिक पढ़ रहे हैं, डी को जीरो डाल दिया, इसे सॉल्व करा, यहां तक आया। उसके बाद में आइडियल गैस की बात हो रही है, तो आइडियल गैस से यहां से पार्शियल डिफरेंशिएशन करके डीटी निकाला, उसे उठा के पुट कर दिया कहां पे, पहली वाली इक्वेशन में। उसके बाद एलसीएम लिया, क्या लिया एलसीएम, और कुछ नहीं करा। क्लियर, दो स्टेप करें और कुछ तीसरा स्टेप नहीं है, याद आपको रखना है, लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज। तो बात ये यहां पे क्या है, कुछ नहीं करना, सीपी नॉट सीपी बट सीबी प्लस आर है, उसकी जगह सीपी डाल देना है, क्या डाल देना है सीपी, फिर लिमिट हो दे इसे। अच्छा मैं चाहिए क्या, पीवी गामा इज इक्वल टू के चाहिए, इसके लिए ड्राइव करने है। और इसके बाद होगी वर्क डन की डेरिवेशन। बड़े नजर ऊपर रखे, ऊपर देखें, बड़े फील ऊपर देखें, लास्ट क्वेश्चन क्या है, बड़े पी आए हैं और क्या है डीवी आए, क्या है डीवी, पी आए हैं बड़े डीवी आए हैं और ये सीवी प्लस आर की जगह क्या डालेंगे सीपी, क्या डालेंगे बड़े सीपी रख दिया मैंने, यानी इसकी जगह यहां से सीपी निकाल के ये इधर डाल दिया, प्लस में गए बड़े सीवी है और साथ में गए वी है और क्या है डीपी है, इक्वल टू में क्या है जीरो, इसका कोई काम तो नहीं है, इसे बैठा दो। अब ध्यान से देखें बेटा, बात ये लिखा है डीवी, क्या लिखा है डीवी लिखा है, पर ये डीवी है साथ में पी है, साथ में क्या है पी, अगर डीवी है तो सिर्फ वी को सॉल्व करेगा, किसको करेगा, तो यहां तो वी है ही नहीं। तो एक बात तो ये, अगर यहां से पी हट जाए और वी आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी मेरे को डीवी है तो वी तो चाहिए ही चाहिए, वी तो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करके वी लेके आओ, यहां पे क्या है बड़े डीपी है, ये डीपी है तो पी चाहिए, क्या चाहिए, यानी यहां पी आ जाए यहां वी आ जाए, ऐसा कुछ करो। इतना ही नहीं, यहां पे क्या है गामा, क्या है गामा, और गामा होता क्या है सीपी बाय सीवी, यानी सीपी है वो गामा भी चाहिए, तो अगर सीपी के नीचे सीबी आ जाए डिवाइड में तो गामा आ जाएगा, यानी अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं किससे सीबी से तो गामा तो आ जाएगा, गामा तो जाएगा। पर दिक्कत ये डीवी है मेरे को बीबी चाहिए, अब वी कैसा है तो दिमाग लाना पड़ेगा। ये आता है अगर मैं पी रख दूं, मान लो डिवाइड में क्या रख दूं पी, पहले देख लो बड़े पी रखा और वी रख दिया, क्या रख दिया वी, एक एक करके देखते हैं, पहले पी रखा, क्या रखा पी, तो पी एक तरफ थोड़ा होगा, इसके नीचे पी लगाओ इसके नीचे पी लगाओ, भाई दोनों तरफ डिवाइड होगा ना, अगर पी से डिवाइड करें तो फायदा क्या होगा, देखो ये हट गया, अच्छी बात है, यहां पे डीपी के नीचे क्या आ गया पी आ गया, ये तो जीरो हो गया, यानी इस जगह तो फायदा हो गया, इस जगह से हट गया, पर दिक्कत यहां तो वी तो है ही नहीं, अगर मैं वी से भी डिवाइड कर दूं हर तरफ, अब बताओ फायदा क्या होगा, ये तो जीरो रहेगा, ये बताओ यहां से पी से पी कट गया, डीपी के नीचे क्या गया वी, और यहां से वी से वी कैंसिल, बताओ डीपी के नीचे क्या गया पी, यानी अगर मैं पी वी से डिवाइड कर दूं, किससे कर दूं पी वी से, तो दोनों के लिए फायदा हो रहा है, इसके नीचे वी वी आ रहे हैं उसके नीचे पी वी आ रहे हैं, अगर एक से करूंगा तो एक के लिए फायदा दूसरे के लिए नहीं हो रहा, पर पी और वी से कर दूं डिवाइड तो दोनों के लिए फायदा हो रहा है, तो एक फैक्टर तो आ गया पी वी, क्या आ गया पी वी, मैं पी वी से डिवाइड करने वाला हूं। इतना ही नहीं, मेरे को चाहिए गामा, क्या चाहिए, अगर मैं यहां पे सी वी भी लगा दूं तो यहां पे भी लगाओ सी वी और यहां पे भी लगाओ सी वी, यहां तो रहेगा जीरो ही, यह आता है सी वी से सी वी कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यह सीबी और सीवी क्या हो गया गामा, फायदा होगा, यानी एक और फैक्टर सीवी, इन तीन से डिवाइड करना पड़ेगा, यह डिवाइड वाला फैक्टर आना चाहिए आपको, जैसे नहीं आता वो याद करता है पी ऐसा फिर वी फिर ऐसा फिर सीवी लगा दो, पर आपको समझ में तो आना चाहिए किसको हटा रहे किसको लेके आ रहे, तो एक बात तो ये क्लियर है क्या, अब फिर लो वापिस से इक्वेशन लिखेंगे और वापिस से डिवाइड करेंगे, बड़े यहां पर क्या लिखा है बताओ पी है क्या है, बड़े पी लिखा है डीवी लिखा है सीपी लिखा है और क्या लिखा है यहां पे बड़े सीवी और वी, ये सीवी और ये क्या है वी है, ये डीपी था और ये जीरो था, ये इक्वेशन है, बताओ डिवाइड किससे करते हैं इसे, बड़े डिवाइड करेंगे किससे पी से करेंगे वी से करेंगे
और सीपी है तो नीचे सीवी चाहिए, सीवी से करेंगे, यानी इससे डिवाइड करने वाले हैं। और डिवाइड करते ही धीरे धीरे आंसर आना स्टार्ट हो जाता है। अब फिर लो बड़े रहता है, इसके नीचे क्या आएगा, पी ए डी वी, और ये क्या है बड़े ए सी वी, डिवाइड में बोलो क्या आएगा, पी आएगा, वी आएगा, सी वी आएगा, प्लस में यहाँ क्या है बड़े ए सी वी है, वी ए और डी पी ए इजिकल टू में जीरो रहेगा, हो तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा, बड़े पी वी सी वी, काटो पी से बी कैंसिल, बड़े वी से बी कैंसिल, सीवी से सीवी कैंसिल, डीपी के नीचे वी आ गया, या कहें डीपी के नीचे पी आ गया, तो फायदा हो रहा है ना। तो अब फिर आप क्या करेंगे आगे, या कहें आया क्या सीपी बाई सीवी क्या होता है गामा, तो ये गामा लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया गामा, या कहें डीवी है और ये क्या है वी है, तो यानी वन बाई वी और क्या है डीवी, यही बचा है और कुछ तो बचा ही नहीं। अब ये आता है यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस लिख दिया यहाँ पे, बताया ना गामा इसे लिखा है, ये बताया यहाँ पे क्या है डीपी है और पी है, तो वन बाई पी डीपी इज इक्वल टू क्या है जीरो, कुछ ऐसा है। अब क्या करेंगे इंटीग्रेट, क्या करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, क्योंकि हम जानते हैं वन बाई वी डीवी का फॉर्मूला क्या होता है लॉग बी, क्या होता है लॉग बी, फिर लो बड़ा इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो यहाँ क्या होगा यहाँ पे भी इंटीग्रेट आएगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेट आएगा, तो इंटीग्रेट बड़े गामा है, वन बाई वी है और क्या है डीवी है, तो वन बाई वी ये क्या है डीवी, प्लस में वन बाई पी और क्या है बड़े डीपी इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ जीरो कॉन्स्टेंट सी, कितना होता है सी, मैंने बताया था जी बड़े इंटीग्रेशन ऑफ जीरो करोगे कितना आएगा सी आएगा, जैसे सीधे लिख रहे थे सी, पता लग गया। अब ये आता है यहाँ पे डीवी है तो सिर्फ वी को सॉल्व करेगा, तो गामा क्या आएगा बाहर, गामा क्या आएगा बाहर, तो गामा आ गया बाहर बड़े वन बाई वी डीवी प्लस में वन बाई पी और ये क्या है डीपी इज इक्वल टू में सी चल रहा है कॉन्स्टेंट। अब ये आते हैं डीवी के साथ में वन बाई वी है, फॉर्मूला क्या होता है लॉग वी, क्या होता है लॉग वी, तो गामा यह आएगा लॉग बड़े बेस ई और ये क्या है वी, तो वी लिख दिया, प्लस में यह आता है वन बाई पी का क्या हुआ लॉग ई पी और इज इक्वल टू में क्या है सी, यह आता है ये रहा लॉग, ये रहा एक्स, कुछ भी है ये जो पावर में नहीं चला जाएगा, अरे हाँ ना बोल भैया, तो गामा क्या आएगा पावर में, तो इस वाली चीज को सिर्फ इस वाले को कैसे लिख सकते हैं लॉग ई वी की पावर कितनी आएगी ये गामा ऊपर, तो गामा के ऊपर देखो वी के ऊपर गामा आ गया, वी के ऊपर गामा एक चीज तो आ गई, प्लस में ये होता है ये क्या है बड़े लॉग है ई है पी है इज इक्वल टू में क्या है सी, ध्यान से देखो लॉग ये पूरा एम हो गया प्लस लॉग ये पूरा एन हो गया, क्या आइडेंटिटी होती है लॉग एम एन, लॉग एम एन, एम ये रहा एन ये रहा ऐसे मानो, तो फिर लो क्या आएगा लॉग बेस ई, अच्छा आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो बता पहले पी लिख लेते हैं फिर कहते हैं वी और गामा, वी गामा इज इक्वल टू में क्या है सी, इज इक्वल टू में क्या है सी, बस आंसर आ चुका है। बताओ निकालना क्या, पी वी गामा भी आ गया, देखो पी वी गामा आ गया। अब करेंगे क्या, जो याद है एक्स बोला था एक्स कैसे निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही, ये आता है पी ए वी ए गामा, ये तो निकालना है, ये तो बेस में गया ई तो उधर जाके क्या हुआ बेटा ई लिखेंगे पहले, तो पावर में क्या आएगा सी, तो पावर में आ गया सी, ये पूरा के कॉन्स्टेंट होता है, क्या होता है के, तो पी वी गामा इज इक्वल टू में के, एडियाबेटिक इक्वेशन। कभी मैं एडियाबेटिक इक्वेशन की बात करूंगा पी वी गामा इज इक्वल टू के, पी वी गामा इज इक्वल टू के, जो मैं वर्क डन कराने वाला हूँ एडियाबेटिक के अंदर, मैंने उसने कराई है सिर्फ ये लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज।